हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद संगीता। तो आज की रेसिपी बहुत ही यूजफुल रेसिपी होगी फ्रेंड। तो कभी आपके पास सब्जी ना हो तो आप इसे आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने चना दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो लिया था और इसे हम दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे फ्रेंड, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची और बेसिक मसाले काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले डालकर हम इसमें नमक डालकर इसे हम मिला लेंगे और 5 से 10 मिनट का हमें रेस्ट देना है इसे। उसके बाद इसे मैंने एक पैन को गर्म किया है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और इसे हम सेलो फ्राई करेंगे फ्रेंड। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उसके लिए और भी अच्छी लगेगी ये डिश। तो उसे मैंने सेलो फ्राई करके इसी तरह सारे निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने इसे कढ़ाई गरम किया है फिर से, और उसमें मैंने हींग और तेज़पत्ता डाला है और प्याज, और इसे हम भुनेंगे फ्रेंड। फिर मैंने इसमें हरी मिर्च और अदरक डाले हैं छोटे छोटे टुकड़े काट कर। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, और ये लहसुन का पेस्ट है फ्रेंड। और इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है और थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, और हमारे बेसिक मसाले और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है अलग से, बाकी कुछ नहीं है अलग। और नमक उस समय मैंने थोड़ा सा डाला था टमाटर को तलने के लिए, अभी मैं थोड़ा और ज़्यादा डाल दे रही हूँ थोड़ा। और इसके बाद इसे हमें भुनकर कस्तूरी मेथी डाल दी है फ्रेंड थोड़ी सी, जो कि स्वाद को ये डबल कर देगी। उसके बाद इसे जब उबलने लगे, और जितनी आपको ठीक रखनी है ग्रेवी उतना तक आपको पकाना है इसे। उसके बाद उसमें हम अपने तैयार की हुई पकौड़े डाल देंगे इसमें, और ऊपर से मैं थोड़े से धनिया पाउडर, धनिया की पत्ती और गरम मसाला डाल रही हूँ, जो खाने में और भी टेस्टी लगी फ्रेंड। तो आपने कभी इसे ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर करें ट्राई फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।